दोस्तों यहाँ पर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसको हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय या रज्जू भैया विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, उसमें जो प्रवेश प्रारंभ है वो 25 जून से स्टार्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक खुशखबरी है, जो कि बहुत सारे छात्र छात्राएँ जो हैं कि इंतज़ार कर रहे थे प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की। तो यहाँ पर न्यू सेशन 2022 और 23 का जो न्यू सेशन है वो 25 से स्टार्ट हो सकता है, यानी 25 से आपके एडमिशन प्रारंभ हो सकते हैं। क्या है न्यू, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि राज्य विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया 25 तक होगी आरंभ, यानी कि यहाँ पर 25 से आरंभ हो सकती है। इसमें आप लोग देख सकते हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय स्नातक परास्नातक में सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया इस सप्ताह शुरू हो जाएगा। राज्य विश्वविद्यालय परिसर और संगठक कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जून से प्रस्तावित है, पर तैयारी पूरी होने पर पहले ही आवेदन शुरू किया जा सकता है। नए सत्र में प्रवेश को लेकर हुई प्रवेश समिति की बैठक में निर्णय लिए गए, विवरणिका को अनुमोदित भी कर दिया गया है, प्रवेश की अर्हता भी तय हो गई है, यानी प्रवेश की सारी प्रक्रियाएं जो है तैयार कर ली गई हैं। ठीक है, कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर एजेंडे पर चर्चा की गई। छात्र जिस कॉलेज में प्रवेश लेना चाहेंगे वहां ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद राज्य विश्वविद्यालय कॉलेजों को लिंक भेजेगा, जिसमें दिए गए प्रारूप पर छात्रों का पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण फॉर्म में आधार नंबर के साथ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आपको ABC ID, मैंने ये बता दिया था ABC ID क्या है, कैसे बनवाना है, इसका वीडियो पहले ही बन चुका है, भी डालनी होगी। पंजीकरण प्रक्रिया 25 जुलाई को संपन्न होगी, यानी 25 जुलाई तक ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सामान्य OBC छात्रों के लिए 40% और SC ST के लिए 35% अंक की अर्हता निर्धारित की गई है। प्रवेश समिति ने एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 180 सीटें तय कर दी हैं। अतिरिक्त सीट मांगने की स्थिति में एक शिक्षक पर 60 सीटें और मिलेंगी। प्रवेश समिति की बैठक में कुल सचिव डॉक्टर SK शुक्ला सहित समिति के सदस्य और अधिकारी मौजूद थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भी ये प्रवेश की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो सकती है, 25 जून तक शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, तो और चलेगी कब तक, 25 जुलाई तक, यानी कि एक महीने का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। टोटल जो आपके पास होंगे 30 डेज यहाँ पर आपको दिए गए हैं प्रवेश करवाने के लिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या रज्जू भैया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग जैसे ये स्टार्ट होता है अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह एकदम कंप्लीट करके रखिए। जैसे ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ से। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अब आपका जो प्रवेश होने जा रहा है उससे लेकर के आपका जब तक परीक्षा होगा मैं आपके साथ रहूँगा और सारी अपडेट आपको यहाँ से देता रहूँगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस सत्र से सेमेस्टर आधारित परीक्षा पर लग गई मोहर भी लगेगी। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति के तहत वार्षिक पाठ्यक्रमों का सेमेस्टर प्रणाली में बदला गया था। राज्य विश्वविद्यालय ने पिछले सत्र में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों की पढ़ाई तो सेमेस्टर आधारित कराई थी, पर परीक्षा वार्षिक प्रणाली के आधार पर हुई थी। इस वर्ष प्रवेश लेने वाले छात्रों की प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा अलग अलग होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए कि आपकी जो परीक्षाएं हैं इस बार से जो न्यू सेशन 2022-23 स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें सभी जो परीक्षाएँ होंगी वो सेमेस्टर के आधारित पर होंगी। जैसे कि एक साल में आपकी आधा कोर्स पढ़ाया जाएगा और उसका पहले एग्ज़ाम होगा, फिर एक एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम होगा, तो यानी कि सेमेस्टर वाइज आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी थी, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना दिया हूँ। सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर आप समझ गए ही होंगे।
अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं वहां से भी आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना तो भूलें ही ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।